ये है दिल्ली शहर और यहाँ रहता है एक गजब परिवार जिसमें है एक माँ और उनके 5 बच्चे। अब इन कमबख्तों की गर्मियों की छुट्टियां भी स्टार्ट हो गई हैं। अब पूरा टाइम मेरा दिमाग चाटेंगे और मेरा शुगर लेवल बीपी लेवल सब बढ़ा देंगे। इनसे मिलिए, ये है माँ शकुंतला। मैं तो मेकअप कर रही थी, ब्रश मार रही थी। और ये है घर की सबसे छोटी बेटी बिजली। अबे ओ मेमी चप्पल चोर छपरी बेरोजगार। ये है घर के सबसे बड़े बेटे सुनीत सुपरस्टार। I said, ooh, I'm blinded by the lights. और ये है इस घर का सिंगर बेटा हर्षन। और ये घर का सबसे बिगड़ैल बेटा छपरी। ये है इस घर की सबसे भोली बेटी रानी। अब वक्त आ गया है शकुंतला मीटिंग बैठाने का। सुनो सुनो सुनो, सारे बच्चे हॉल में इकट्ठा हो जाओ अभी इसी वक्त। इन सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा, तंग करके रख दिया है सबने मुझे। एक एक को सबक सिखाना है। माँ ने बुलाया। नल्ली सुनाई नहीं दे रहा, मम्मी बुला रही है। तैयार तो ऐसे हो रही जैसे बड़े कोठे बंगले वाली हो। अरे तू रहेगी नल्ली छपरी बेरोजगारी। मैं तो जा रही थी मुझे बिल्ली ने बुलाया, बोली म्याओ म्याओ। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। सबके सब यहाँ पे नल्ले और चप्पल चोर हैं, एक मैं ही टैलेंटेड हूँ सिर्फ। लॉर्ड सुनीत। I said, अबे ओ मोटरसाइकिल की मशीन, चल ले तू भी अभी, बाद में रोइयो बैठ के। चल अभी मम्मी बुला रही है, चल। मुझे तो किसी ने कुछ करने ही नहीं दिया। कैसी है ये दूरियां, कैसी मुस्कुरियां। चलो आधी रिकॉर्डिंग बाद में करूंगी, अभी माँ का बुलावा आया है। माँ बुलाए और मैं एक बार में आऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। देती है जो माँ जिसे जग कहे। आ गए सब, बड़ी जल्दी शक्ल दिखा दी तुम सबने तो। अरे मम्मी ये नहीं आ रहा था। अरे मम्मी ये सब नाटक कर रहे थे, मैं इनको उठा कर लाया अभी। मैं तो आ रही थी, इसकी वजह से लेट हुआ। चुप 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 बिल्कुल। अरे ऊपर वाले ऐसे ही बच्चे दे रहे थे क्या मुझे? कुछ तो रहम करते मुझ पे। सब के सब एंटिक पीस हैं और ऊपर से सोशल मीडिया पे अलग ही गुल खिला रहे हैं ये। कान खोल के सुन लो तुम सब के सब, अगर तुम सब ने मुझे इस पूरे एक महीने जीने नहीं दिया तो सबको इस घर से निकाल दूंगी, फिर तुम सब पड़े रहना रोड पे, ठीक है ना? अरे मम्मी नल्ली छपरी बेरोजगार चप्पल चोर इस सिंगर को समझा लो। अपना बेसुरा गला मेरी तरफ झाड़ती है, ऐसे जहरीले गाने गाती है कि मुझे उल्टी सी हो जाती है। अरे मुझे तो इसका भाई होने में भी शर्म आती है। अच्छा कैसी शर्म हुई है? कैसे मैं हूँ बेकार ये बतूया? मैं अपनी माँ को दुख और परेशानी में बिल्कुल नहीं रख सकता। जन्म देती है जो माँ जिसे। तू तो दूर ही हो जा छपरी, खड़ा रहे वहीं पे। बात बात पे इनका स्कूटर स्टार्ट हो जाता है। हंसना बंद कर, सब अपने अपने कमरे में जाओ चलो। और हर्षन तू मुझे ये बता, ये क्या गानों में अपना टाइम वेस्ट करता है? एक तू ही मुझे शरीफ बच्चा दिखता है और तू भी ऐसे करने लगा इनके साथ रह रहकर। पर मम्मी मैं तो फालतू चीजें करता ही नहीं। चल ठीक है जा, कर तू जो करना कर। चलो चलो सब लोग अपने कमरे में जाओ। बिजली तू रुक यहीं पे। तुझसे कुछ सवाल करूंगी और सीधा सीधा जवाब देना बिल्कुल। कल तुझसे क्या कहा था मैंने? 5 बजे तक घर आ जाना। और तू कितने बजे आई थी? 9। कर क्या रही थी? मैं तो पार्टी कर रही थी, डांस कर रही थी, मुझे मेरी सहेली ने बुलाया, बोली आ आ। रुक, सहेली तुझे आ आ करके बुलाएगी और तू चली जाएगी? क्यों बुलाएगी सहेली? गोलगप्पे खा रही थी, मिर्ची लग रही थी, फिर आपने बुलाया, बोली आ आ। इस लड़की की इन बातों से मैं परेशान हूँ, भी सीधा जवाब नहीं देती। ये तेरे गाने से ना मैं परेशान आ गई हूँ, जा यहाँ से जल्दी। मैं तो जा रही थी मुझे आप ही ने बिठाया, बोली बैठ बैठ। अरे क्यों अपना गला फाड़ रही है, चली जा। मुझे तो समझ नहीं आता मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। पूरा पूरा दिन तो मेरा चिल्लम चिल्ली में चला जाता है और मेरे गले की भी बैंड बज जाती है इन लोगों के सामने। बस कुछ ऐसा हो जाए जिनसे इन सबका नाटक ही खत्म हो जाए।
बिजली, वो तुझसे एक बात बोलनी थी। क्या? क्या? जैसे कि तुम्हारी डील चल रही है और तू काफी वायरल भी हो रही है, तो तू प्लीज मुझे शाउट आउट दे देना, मेरे भी थोड़े फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे ना। केड़ी तड़ा, मैं फेमस तो हो रही हूँ लेकिन मेरे मीम्स ज्यादा बन रहे हैं। इतना बुरा भी नहीं गाती मैं, प्लीज मेरी बहन एक कोलैब में डील बना ले, देखना तू हम दोनों बहनें फेमस हो जाएंगे। नो नो, ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, मेरे खुद के फॉलोअर्स है, मैं तुझे क्यों दू? तू ना ज्यादा भाव मत खा, मैं तेरे से ज्यादा फेमस होकर दिखाऊंगी। जा जा। कैसी है ये दुनिया, कैसी मजबूरिया, अब मेरा क्या हुईया? आओ सुनाओ प्यार की कहानी। अरे ये पूरे रील पे, तो मेरे बच्चे ही दिखते हैं मुझे। सिर्फ एक माँ होकर मैं नहीं झेल पाती, पता नहीं दूसरे लोग कैसे झेलते होंगे इन सबको। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये सब इतने अलग कैसे हो गए हैं, पता नहीं शायद अपने बाप के खानदान पे गए होंगे। मेरे घर में तो भैया कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे ससुराल वाले सबके सब नौटंकी बाज हैं। इनकी बहन को ही देख लो, अरे ये बिजली तो बिल्कुल उन पे ही गई है। इन लोगों को क्या पता मेरी वैल्यू, आगे जाके कितना पॉपुलर होने वाला हूँ मैं। शरीफ हूँ ना, इसका फायदा उठाते हैं लोग। I hope you're romantic all my life, surrounded by the couple all the time. I guess I should take it as a sign. Why, why, oh why, oh why? I'm feeling lonely. Oh, I wish I could find a lover. हाँ वे गोचू, क्या कर रही है ये? क्या इंग्लिश गाने गाता रहता है हमेशा? वैकना को जान से मारेगा क्या? स्ट्रेंजर थिंग्स वाले ना तुझे ढूंढ रहे, तेरी वीडियो वायरल हो गई है। पर फिर भी लॉर्ड तो मैं ही हूँ यहाँ का, नल्ले छपरी बेरोजगार चप्पल चोर कहीं के। देख लेना एक दिन तुम सबको जवाब मिलेगा। अच्छा, ऐसा दिन आएगा जब तुम सबसे फेमस रहूंगा। ठीक है, और मेरे साथ ना बहुत बड़े बड़े लोग कोलैब करने आएंगे। ठीक है समझ गया, पर इसमें मेरा क्या फायदा, काम कर ले अपना। आया बड़ा लॉर्ड सुनीत से पंगे लेगा, चल दिख मंगे बेरोजगार। अरे भाई सुनी, क्या है चपरी? सुनना यार, मुझे एक रील बनानी है जिसमें मैं ना अंधा रहूंगा और तुझसे टकरा जाऊंगा, फिर ना तू मुझे थप्पड़ मारना बहुत तेज, और फिर ना मैं तुझे चश्मा उतार कर दिखाऊंगा कि मैं अंधा हूँ, फिर ना तुझे बहुत अफसोस होगा कि तूने एक अंधे को थप्पड़ मारा, और फिर ना तू लास्ट में ऐसे रोना। मत करना इश्क, बहुत झमेले हैं, हंसते साथ हैं और रोते अकेले। ठीक है भाई, समझ गया ना तू? अबे ओ नल्ले छपरी बेरोजगार, ये छपरापन मुझसे नहीं होगा, तेरे से ज्यादा क्रिंज ना मैंने कहीं नहीं देखा। तेरे जैसे की तादाद ना बहुत बढ़ गई है, तनी क्या होगा फ्यूचर का? अच्छा ज्यादा बोलेगा तू, हट जाना से, खुद बिना बात के मुंह फाड़ फाड़ के हंसता रहेगा बस। अबे ज्यादा तेरे से ज्यादा फॉलोअर्स है और फैंस भी है मेरे, हट यहाँ से। वीडियो नहीं बना दे रहा, चलो भैया थोड़ा वीडियो भी बना लेता हूँ, अब मैं बेरोजगार थोड़ी ना हूँ। अब लग रहा हूँ ना असली लॉर्ड सुनीत, बस एक ही कमी है इस चश्मे की। तो मेरे दोस्तों कुत्तों से प्यार करें, लेकिन जिंदगी में कभी सोनिया नाम की लड़की से प्यार मत करना, क्योंकि सोनिया नाम की लड़की एक नंबर की नल्ली बेरोजगार और धोखेबाज होती है, बड़े बड़े कोटी बंगलों वालों को पटाकर उनको धोखा देती है। ये वीडियो बना रहा हूँ रिया नाम की लड़की के लिए, रिया नाम की लड़की को बताना चाहता हूँ कि उससे संदीप नाम का लड़का बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए जान भी देने को तैयार है। चलो भविष्यवाणी कर दी मैंने, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ऐसी थोड़ी फेमस हूँ, इतनी मेहनत तो कोई भी नहीं करता होगा। इतना टैलेंट अगर लोगों में आ जाए तब तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, फिर सुनीत लॉर्ड थोड़ी कहलाएगा। जरा देखो तो इस पागल खाने में क्या हो रहा है, मजे लेकर आती हूँ। ये कौन आ गया अब? अरे शिमला बहन आप आइए आइए। अरे कैसी है शकुंतला बहन? कुछ नहीं शिमला बहन, बस बच्चों की छुट्टियां शुरू है तो उसी में लगी रहती हूँ, अब बच्चों से टाइम मिले तब कुछ करूँ ना। वैसे शकुंतला तुम्हारा बेटा बड़ा फेमस हो रहा है आजकल वो अंग्रेजी गाने गागा कर। कौन, हर्षन? अरे वो बस ऐसे ही गा लेता है, पता नहीं किशोर कुमार बनेगा। वैसे तुम्हारे बच्चों ने बड़ी धूम मचा रखी है सोशल मीडिया पे। अरे छोड़िए ना शिमला बहन, ये भी कैसी फिजूल की बातें लेकर बैठ गई आप। रुकिए रुकिए, आप ये बैठिए, मैं जरा आपके चाय नाश्ते का इंतजाम करवाती हूँ, आप इतने टाइम बाद आई हैं। बेटा बिजली इधर आओ, बिजली बेटा, शिमला आंटी आई, इधर आओ। शिमला बहन आप अपनी दोनों बेटियां मनाली और हिमाचल क्यों नहीं लेकर आई? अरे मेरी बिजली इतना पसंद करती है दोनों को। कितना टाइम लगा दिया तूने आने में, इतना टाइम क्यों लगा? मैं तो आ रही थी, दौड़ के आ रही थी। बस कर जा बेटा बस कर जा, मैं ना हार्ट पेशेंट हूँ वैसे भी, तेरी ये बेसुरी आवाज अब और नहीं सुन सकती। अरे बिजली बेटा, बेटा आंटी आई है ना, शिमला आंटी,
इनके सामने तो गाना मत गा बहन, इसकी बड़ी शिकायतें हैं पूरे मोहल्ले से। सब यही कहते हैं कि शकुंतला की बेटी ने नाक में दम कर रखा है। कल होमवर्क करके नहीं गई थी ट्यूशन में, तो पता है इसने क्या बहाना दिया? मैं होमवर्क कर रही थी, पढ़ रही थी और मुझे मम्मी ने बुलाया, बोली आ आ, और मैं चली गई। बताइए जरा, ऐसे ऐसे एक्सक्यूजेस देती है ये शिमला बहन। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं मैं अपने बच्चों का? तू जा यहां से, जा यहां से, सब कुछ मैं खुद कर लूंगी, तू यहां से जा, निकल जल्दी। मैं तो जा रही थी मुझे मम्मी ने बुलाया। सुना है बहन, आपके बच्चों के खिलाफ तो बहुत से लोगों ने पुलिस में कंप्लेन किया है। पता नहीं क्या होगा, आपकी बेसुरी बेटी बिजली और वो छपरी बेटा आपका और वो सुनीत, पता नहीं क्या ही होगा इन सब का। हरकतें ही इनकी ऐसी है, पुलिस तो घर आएगी ना। डोंट प्ले विद मी। आंटी, जलने वाले तो जलेंगे और सलाम ठोकने वाले सलाम ठोकेंगे। चलिए चलिए बहन, मैं चलती हूँ, वरना यहाँ रही तो मेरी मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगी, रहने दीजिए आप। अरे शिमला बहन, मैं चाय बना देती हूँ ना। अरे नहीं 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 नहीं, क्यों रे नाच पीटे, तुझे भी अभी आना था। अरे उसको तो जाने देता। तुम लोग ना मेरी कितनी बेइज्जती कराओगे मुझे, आज ही बता दो कि मैं सतर्क रहूं। तुम लोगों ने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे मोहल्ले में ना ऐसे करके जाती हूँ ऐसे कि कोई देखे ना और बोले ना कुछ। ये देखो देखो सुनीत सुपरस्टार की माँ, ये देखो देखो पार्टी करने थी वाली की माँ, और ये देखो देखो वो छपरी स्कूटर चलाने वाली की माँ। अरे ये सब चीजें सुनने को मिलने लगी है। मम्मी लेकिन मैं तो अच्छा गाना गाता हूँ, मैं तो शैतानी भी नहीं करता। लेकिन मीम्स तो तुझ पे भी बन रहे ना। अरे हिंदी गाना गा ले, ये अंग्रेजी गानों में क्यों तुला है? तेरे गाने सुन के तो ऐसा लगता है जैसे पोएम गा रहा हो कोई छोटा बच्चा। हाथ जोड़ती हूँ मैं तेरे आगे, हिंदी गाने का आवाज तेरी अच्छी है। मम्मी मैं भी तो अच्छे काम ही कर रहा हूँ। यही सब देखना रह गया था मेरे लिए बस, वो भी तुम लोगों ने दिखा दिया मुझे। लो देख लो देख लो, आगे पूरे मोहल्ले वाले नारा लगाने। अब क्या करूं, सब बोल रहे सबके अकाउंट डिलीट करो। मम्मी ऐसा नहीं हो सकता, मम्मी प्लीज मम्मी ऐसा मत करना। करना तो पड़ेगा अगर दुनिया में जीना है तो, वरना हमें देश निकाला कर देंगे ये लोग, तुम्हें पता है ना सबको। चलो जाओ जल्दी जाओ और अपने अपने फोन लेकर आओ, सब बारी बारी से सब अपना फोन यहाँ रखेंगे। नहीं मम्मी ऐसा जुल्म मत करिए, नहीं मम्मी नहीं मत करिए, ऐसे मत करिए प्लीज। फोन लेकर आओ, सबके अकाउंट डिलीट कर दूंगी सबके। सुनिए सुनिए, मैंने अपने सारे बच्चों के अकाउंट डिलीट कर दिए, अब इनकी तरफ से कोई वीडियो नहीं आएगी, आप सब लोग अब घर जा सकते हैं। ठीक है हम जा रहे हैं। चलो शुक्र है सबके सब गए, अब तुम लोग भी अपने अपने कमरे में जाओ, मुझे पता है तुम लोग इंसान बन जाओगे। चलो चलो जाओ जाओ, जिसको जहाँ जाना जाओ। चलो भाई जान छूटी, अब मैं तो परेशान ही आ गई थी। अब हम सबका क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, गाने किधर पोस्ट करूंगी। मैं तो चप्पल जो छपरी बेरोजगार भी नहीं था, बेरोजगार हो गया। मैं डांस कैसे करूंगी अब। छपरी भैया कुछ सॉल्यूशन दो ना, हमारी पांचों भाई बहन की जिंदगी लुट गई, खराब हो गई, हमारा अब क्या होगा। तुम सब लोगों की वजह से हुआ ये, तुम लोगों ने इतना क्रिंज फैलाया। पापा, आप कहाँ थे, मैंने आपका कितना वेट किया, आप कहाँ थे, आप अभी क्यों नहीं आए। मम्मी ने हमारा फोन लेकर सब कुछ डिलीट कर दिया, हमारा अकाउंट डिलीट कर दिया। पापा आपका बेटा सबको नल्ला नल्ला बोलते बोलते खुद नल्ला हो गया, मुझे बचा लो, मेरा अकाउंट बचा लो। बच्चों मुझे अच्छे से पता है, जैसे ही तुम्हारा अकाउंट डिलीट हुआ ना, मैं फौरन हिमाचल से यहाँ आ गया, क्योंकि मैं तुम लोगों का अकाउंट डिलीट होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। और तुम सबका अकाउंट जैसे डिलीट हुआ है ना, वैसे ही मैं वापस लेकर आऊंगा। ऐसे कैसे तुम्हारी मान डिलीट कर दिया? तुम में से कोई नहीं घबराएगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं सपोर्ट करूंगा तुम्हें। चलो चलो सबके अकाउंट वापस आएंगे, सब अपने अपने फोन लेकर आओ। छपरी बेटा तुम रुको यहीं पे, बिजली बेटा मैंने सोचा है कि हम दोनों एक साथ में रील बनाते हैं, तुम अपना पार्टी कर रही हो वाला गाना गाना और मैं अपना किंदे चली तू, वायरल तो पक्का होगा ये। हाँ पापा डन, हम यही करते हैं, आइए बनाते हैं, ये वायरल होगा पक्का। तुम हमारी वीडियो बनाओ। हाँ हाँ मैं बना देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो फिर को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।
करो। और गाइस मैंने इस वीडियो के लिए बहुत बहुत मेहनत की है, तो आप लोगों को लाइक करना तो बनता ही, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था इस वीडियो में, और मुझे ये भी बताना कि मैंने सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी की है। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करो, आपको मेरी आईडी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।